लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला परिसर में बेतरतीब खड़े दो पहिया वाहनों को व्यवस्थित रूप से खड़ा करवाने वाहन पार्किंग बनाया गया है, लेकिन अस्पताल आए लोग वाहनों को स्टैंड में खड़ा करने की बजाय मुख्य द्वार के समीप खड़ा करते हैं, जिससे एम्बुलेंस में गंभीर मरीजों को लेकर एम्बुलेंस चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग को देखते हुए परिसर में वाहन स्टैंड का निर्माण कराया गया है, जिससे एम्बुलेंस में गंभीर मरीजों को लेकर पहुंचे चालक सीधे अस्पताल के मुख्य द्वार तक पहुंच सके, साथ ही गंभीर मरीजों का उपचार तत्काल शुरू किया जा सके। लेकिन वाहन स्टैंड में कुछ को छोड़कर ज्यादातर लोगों द्वारा अव्यवस्थित रूप से वाहनों को पार्क किया जाता है, जिससे समस्या जस की तस बनी हुई है और मरीज लेकर पहुंचे एम्बुलेंस चालकों को परेशान होना पड़ता है। वाहन स्टैंड में कार्यरत कर्मचारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सर, परेशानी इस चीज़ का है सर कि लोग क्या है कि गाड़ी यहाँ पर तक करते आते हैं, हॉस्पिटल है, मगर वो लोग खड़ा कर देते हैं महिंद्रा शोरूम देख रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पर थे उसके बाद कहते हम लोग यहाँ बस स्टॉप था वहाँ पर क्या है कहते कि हम लोग रात कटवाए हैं कि सिर्फ एम्बुलेंस और 112 जो इमरजेंसी में आती है वहाँ भी लोग गाड़ी खड़ा कर देते हैं, उसके बावजूद हम लोग बात करते हैं तो उसकी 10 रुपये की नेतागिरी दादागिरी इस टाइप का बात करते हैं। जितने जन से एक जन खड़ा करता है दूसरा भी वही कर देता है, इस नाम थोड़ा परेशान है। और हम लोग क्या हॉस्पिटल से बोला गया है कि भैया एम्बुलेंस गाड़ी आती है यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी नहीं होनी चाहिए, तो भी लोग समझते नहीं इस चीज़ को और 10 रुपये के बड़ी बड़ी बातें नेतागिरी गुंडागर्दी कर देते हैं सर, ये सब चीज़ें बहुत प्रताड़ित है। बहरहाल व्यवस्था में सुधार करने अस्पताल प्रशासन द्वारा वाहन स्टैंड का निर्माण करवाया गया, इसके बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हो सका, जिसके लिए पहल किए जाने की जरूरत है ताकि एम्बुलेंस चालकों का रास्ता क्लियर रह सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।